रविवार 2 अप्रैल का दिन झारखंड राज्य के जामडार थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव तारापुर में एक परिवार के बच्चे पास में ही होने वाली एक शादी में चले गए। 3 बच्चे जिसमें 17 वर्षीय नकुल टूरी, 14 वर्षीय बालिका सरिता कुमारी और 11 वर्षीय राजेंद्र तूरी इस शादी में गए। घर में वो छोड़ गए अपने माता पिता को। उनकी माता रामचंद्र तूरी और उनके पिता रामचंद्र तूरी और माता सावित्री देवी। रामचंद्र तूरी की उम्र 58 साल और सावित्री देवी की उम्र 40 साल थी। जब ये बच्चे शादी से लौट कर आए तो इन्होंने देखा कि माँ का छत विक्षत शरीर पड़ा है, मृत अवस्था में है, खून है और पास में पिताजी बैठे हुए हैं। इस परिस्थिति को देखकर बच्चों ने आसपास के लोगों को बताया। इस घटना के बारे में तारापुर गांव में वार्ड के सदस्य विनय साहब बताते हैं और वो एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं कि इस परिवार में जो रामचंद्र तूरी को शराब की लत थी और इस बात पे ही पति पत्नी के बीच में कहासुनी होती थी, वो लगता यह है कि उसी कहासुनी में ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। साथ ही उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि यह रामचंद्र तूरी की 12वीं शादी थी, 12वीं 12th, और इससे पहले भी 11 जिनसे शादियां हुई उसमें भी ये मारपीट के आरोप इन पर लगते रहे और पत्नियां छोड़कर इनको जाती रहीं। तो ये एक दुखद घटना थी कि किस तरह से इसमें चौंकाने वाली बात जो थी वो शराब की बात है, अक्सर ये हम सुनते रहते हैं, परंतु 12वीं शादी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी परिवार का एक बच्चा जो कि बड़ा है वो हैदराबाद में नौकरी करता है। अपने कमेंट से बताइएगा इस तरह की क्राइम स्टोरीज जिसमें कुछ अभिनवता हो, कुछ नयापन हो, वो हम आपके लिए लेके आने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल पर। क्या आपको ये पसंद आता है? अपने फीडबैक से बताइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।